बच्चों आज हम सीखेंगे डेसिमल एडिशन, दशमलव का जोड़। आप अक्सर इसमें कंफ्यूज करते हो और कई बार आप इसमें बहुत सारी गलतियां भी करते हो। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना सिर्फ ज़रूरी है। जैसे कि दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाएं वाली संख्या को दशमलव के बाएं वाली संख्या के साथ लिखना है और दशमलव के दाहिने वाली संख्या को दशमलव के दाहिने वाली संख्या के साथ लिखना है। चलिए एक उदाहरण के रूप में हम सीखते हैं। मान लेते हैं कि हमारी एक संख्या है 225। 225 एक पूर्ण संख्या है, उसमें अगर हम जोड़ते हैं 0.215 को, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करेंगे, 2, 2, 5, 2, 1, 5 और दशमलव यहाँ लगाएंगे और शून्य यहाँ लगाएंगे, फिर इसे जोड़ देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसे लिखने का तरीका है, किसी भी पूर्ण संख्या में उसका दशमलव उसके अंत में होता है। जैसे दशमलव एक पूर्ण संख्या है 225, एक पूर्ण संख्या है, इसमें दशमलव जो है वो इसके अंत में है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे। यहाँ हमने दशमलव लगा दिया, अब हम इस संख्या में देखेंगे कि दशमलव के बाईं ओर कौन सी संख्या है, तो ये यहाँ पे शून्य है, तो हम यहाँ पे शून्य लिख देंगे। बाकी जगहों पर कोई संख्या नहीं है तो आप उसे शून्य मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दशमलव के दाहिनी ओर कौन सी संख्या है, इसकी दाहिनी ओर 215 है, तो हम यहाँ पे 2, 1 और 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसके ऊपर आप देख रहे हैं कोई भी संख्या नहीं है तो आप इसे शून्य मान लीजिए, यहाँ पे भी हम शून्य लगा देते हैं। अब आप इसे जोड़िए, 0 + 5, 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ दशमलव आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि हमारा जवाब होगा 225.215। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अब दो दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 1.215 और एक संख्या जो हमें इसमें जोड़नी है वो है 1.025। अब इन दोनों को हम जोड़ कर देखते हैं। पहले हम पहले वाली संख्या को उतार लेंगे, 1.215। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले ही मैंने आपको बताया था कि दशमलव के जोड़ में हम हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं और दशमलव के बाईं ओर की संख्या हम बाईं ओर लिखते हैं। दशमलव के बाईं ओर की संख्या क्या क्या है, 1 और 1 है, तो 1 और 1 आप लिख दीजिए। फिर दशमलव के दाहिने ओर की संख्या क्या है, 0, 2, 5 है, तो 0, 2, 5 लिख दीजिए। अब इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो आप यहाँ पे शून्य बैठा सकते हैं। अब इसे आप जोड़ दीजिए, 5, 5, 10 का शून्य हो जाएगा और उसमें हम 1 जोड़ देंगे, 2 और 1, 3 और 1, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर दशमलव उतरेगा, 1 और 1, 2 हो जाएगा, फिर और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को दशमलव का जोड़ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार
इससे संबंधित जो भी प्रश्न दिए गए हैं आप उसे बनाकर दिखाएं।